Today we are celebrating the engagement of a young couple in our village. That is until this Christian returned. 4 days ago he came into our village trying to convert us, telling everyone about his Jesus. We warned him not to come back, yet here he is. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमने कहा था आप हमारे गांव में नहीं आएंगे, क्यों आ गए आप? मैं ईसा मसीह ये बताता भाई, यहाँ हिंदू का गांव है, हिंदू का प्रचार होता है, ये नहीं आएंगे। अगर हम नहीं आते देसी जी के बारे में कौन बताता? और अगर आएगा फिर आपको हमने देखा तो अच्छा नहीं होगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उनका गाँव है, आप यहाँ कोई भी प्रचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या हुआ इसको खाइए ना। कई बार मना किया हमने कि प्रभु यीशु का प्रचार हमारे गांव में ना करे, लेकिन वो मना करने के बाद भी नहीं माना और हमने उसको बहुत मार दिया। ये हमें नहीं मालूम हो रहा है कि वो जीवित है या कि मर चुका है। तो आप जाइए उसको देखिए, उठिए ना, उठिए जाइए। आप ऐसा काम क्यों किया है? हम लोग इनके साथ क्या करेंगे? अगर इसका परमेश्वर सच्चा है तो इसकी मदद अवश्य करेगा और हम इसे जाने देंगे। Sutta did recover and 4 days after leaving our village he came back again. Now my wife and I follow Jesus. And Sutta is our pastor. When you pray for the persecuted, please remember to also pray for those who persecute. For us, it may be the only way we will see the love of God.